संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा है वीडियो लाभदायक अवश्य हो रही होंगी। कोशिश करता हूं मैं थोड़ी सी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं। आज मैं तर्क संग्रह को लेकर के बैठूंगा और उसे बताने का प्रयास करूंगा। कुछ मित्र हैं बहुत कमेंट कर रहे हैं कि तर्क संग्रह को पूरा किया जाए। तर्क संग्रह को पूरा करने में कुछ है नहीं, उसमें बहुत छोटी सी पुस्तक है, आप अध्ययन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तर्क भाषा को मैंने समझा दिया है, उसी के ही जैसा ही है वो, जो समझाने योग्य था मैंने सब समझा दिया है। बात बाकी तो कंठस्थ करने की चीज़ें हैं, फिर भी रूप चल रहे हैं हमारे, गुण चल रहे हैं, उसमें हमने नौ गुणों को जान लिया है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, परिमाण, संख्या, पृथकत्व, संयोग और विभाग, ये नौ हमने गुणों को जान लिया। गुण का मतलब याद रख लीजिए, किसी भी पदार्थ का कोई ना कोई अपना विशेष गुण होता है। कभी कभी किसी किसी पदार्थ में एक से अधिक भी गुण हो जाते हैं, वो उसमें क्वालिटी दर्शाता है, विशेष कर देता है उस चीज़ को। जैसे गंध किसका गुण है? पृथ्वी का गुण है। और स्पर्श किसका गुण है? गुण है जल का गुण है। तो ये गुण जो हैं उन चीज़ों को, पदार्थों को अलग कर देते हैं। ऐसे ही इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने उन सभी ब्रह्मांड के पदार्थों में मात्र 24 प्रकार के गुण प्राप्त किए और उन 24 प्रकार के गुणों को विस्तृत व्याख्या दे रहे हैं। मैंने कुछ समझा दिया है, आगे मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आप थोड़ा सा धैर्य बनाएंगे। तर्क संग्रह, ठीक है, दसवां और ग्यारहवां एक ही है, परत्व अपरत्व, बारह गुरुत्व। चलिए इसको समझाता चलें, तब आगे चलते चलेंगे, लिखते चलेंगे आपके यहाँ। परत्व अपरत्व से तात्पर्य क्या है? पर और अपर शब्द से परत्व अपरत्व बना है, हम जानते ही हैं। पर का मतलब होता है दूसरा, अपर का मतलब होता है अपना, निजी, पास का, नज़दीक, जो दूसरा ना हो, इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं इसको। अर्थात दूर की जो भी वस्तु होंगी वो पर के नाम से जानी जाती हैं, पास की जो वस्तु होंगी वो अपर के नाम से जानी जाती है। चलिए, परापर व्यवहार साधारण कारण है, ये इसमें बोला गया है। पर अपर जो है व्यवहार का असाधारण कारण है। कारण जानते हैं, कारण करण दो चीज होती है, करण सहायक होता है, कारण उत्पादक होता है, किसी चीज को उत्पन्न करने वाला। तो असाधारण कारण है ये व्यवहार का, परत्व परत्व। जब भी किसी चीज में देखा जाए तो वस्तु को दो भागों मार सकते हैं, और इसी परस वस्तु को कितने भागों मार सकते हैं, गुणों को दो भागों। नंबर एक होता है दिक्कृत, दूसरा होता है कालकृत। दिक्कृत का मतलब दिशा और काल का मतलब होता है समय, ठीक है। दिक्कृत कालकृत से तात्पर्य क्या होता है, यानी कि कोई भी वस्तु परत्व और अपरत्व गुण लिए हुए है तो दो रूप में लिए हुए, एक तो दिशा रूप में लिए हुए है, एक समय के रूप में लिए हुए है। समय को और दिशा को समझना कठिन है थोड़ा, दरअसल दर्शनों में जो कुछ समझाया गया है वो कैसे समझाया गया है आप सब जानते ही हैं, उसको ऐसे समझाया गया है कि समझ में आता ही नहीं। दर्शन दरअसल विज्ञान है, ये सारे गुण जो हैं वो आप विज्ञान में पढ़ सकते हैं। जल का हमको गुण पढ़ाया जाता है विज्ञान में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जल का गुण दूसरे तरीके से पढ़ाया जाता है। चीज़ें वही हैं, व्याख्या करने की चीज़ें वो और हैं। वहाँ बताया जाता है कि जल कैसा है, स्वाद रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, इस तरह से बोला गया। और H2O से जिससे मिलकर के जो पदार्थ बनता है वो जल कहलाता है, वो उसकी व्यवस्था है कैसे बताया, हमारे यहाँ स्पर्श के हिसाब से समझाया गया है। ऐसे ही परत्व अपरत्व भी हमारे यहाँ दिक्कृत और कालकृत दो भागों में बांटा गया है। कोई भी दुनिया की वस्तु पदार्थ को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो होती है दिशा के रूप में, ठीक है, और एक होती है समय के। तो हम समय यहाँ रख सकते हैं और दिशा हम यहाँ रख सकते हैं। कोई चीज दिशा में आगे और पीछे हो सकती है, जो पीछे दूर होगी वो दूरस्थ के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना,
और जो समीप होगी वो समीपस्थ के नाम से जानी जाती है। इसमें संस्कृत में समीप, जब भी दूर के दूर आ जाएगी तो दूर जो चीज होती है वो पर हो गई, वो दूर हो गई, तो दूरस्थ जब भी प्रयोग किया जाएगा तो उसमें परत्व का गुण आ जाएगा, ठीक है, और समीप में अपरत्व का गुण आ जाएगा। सभी बाली में अपरत्व यानी दूर नहीं है, ये गुण है, वस्तु गुण लिए हुए हैं। ऐसे ही समय के हिसाब से ज्येष्ठ होता है और एक कनिष्ठ होता है। तो ज्येष्ठ जो होता है वो दूर हो जाता है, एक तरह से बड़ा हो गया तो दूर हो जाती है चीजें, तो ये हमें परत्व के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ वाली जितनी भी चीजें, बड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो परत्व के नाम से जाने जाते हैं। कनिष्ठ वाली जो होती है वो अपरत्व के नाम से, इसमें अपरत्व नाम नहीं गुण, अपरत्व गुण होता है उनमें। ज्येष्ठ वाली जितनी भी चीजें होंगी, समय में जो चीज बढ़ गई, और समय किस किस चीज को बढ़ा देता है वो आप देखिए, समय की दृष्टि में जो चीज परिवर्तनशील होती है वो बढ़ती है और एक दिन बढ़ते बढ़ते समाप्त हो जाती है, तो इसलिए वो दूर होती है। ज्येष्ठ का मतलब इसमें देखिए गुण कितना अच्छा दिया है, यानी कि जो बढ़ते 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 एक दिन ऐसा आता है कि समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य बच्चा छोटा छोटा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, वृद्ध हो गया और उसके बाद वो समाप्त हो गया, हमसे परे चला जाता है, तो उसमें परत्व का गुण होता चला बढ़ता चला जाता है। जो कनिष्ठ है छोटे हैं उनमें अपरत्व का गुण होता है, इस तरह से इसमें समझाया गया है। और इसमें कुछ नहीं है समझाने को, शायद एक चीज और है इसमें, पृथ्वी आदि आदया चतुष्ट मनोवृत्ति, इस तरह से बोला गया है ना, तो पृथ्वी जल तेज वायु और मन, इनके व्यवहार में ये चीज आती है। पृथ्वी जो कोई वस्तु ठोस होती है वो पृथ्वी के अंतर्गत आती है, जिसमें गंध भी हो, जितने भी हम सुगंधित या दुर्गंधित चीजें देखते हैं चाहे वो हमें दिखाई दें या ना दें, वो पृथ्वी के अंतर्गत आएंगे, इसको याद रखना। स्पर्श, जिसका शीत स्पर्श हो, जब वायु चलती है वायु का स्पर्श जो होता है वो कैसा होता है, चलिए स्पर्श में वायु में स्पर्श में यहाँ चली जाएगी, बस जल में नहीं जाएंगे, जल में इसमें आइए, तो इसमें जो वायु स्पर्शवान होती है और ये शीत वाला भी होता है जल, इसको भी बोल सकते हैं उष्ण तेज में होता है, और ये मन, मन कैसे व्यवहार में आता है, ये कालकृत भी हो सकता है, दिशा के विषय में भी हो सकता है, मन यहाँ पर भी हो सकता है, मन दूर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इस तरह से इसमें ये चारों के व्यवहार में बात की गई है कि इन चारों में ये परत्व अपरत्व का गुण मौजूद रहता है किसी ना किसी प्रकार से, ठीक है। चलिए गुरुत्व, गुरुत्व का मतलब होता है, जो आपने पढ़ा होगा विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन ने दिया था, नहीं ये बहुत पहले ही हम जानते हैं इस चीज को, लेकिन क्या है कि हम लोग इन चीजों में इतने बहक गए हैं कि हमको पता ही नहीं है कि हम कह क्या रहे हैं। तो गुरुत्व से तात्पर्य क्या है, इसमें बताया गया है, वो मैं लिख देता हूं, आद्यापतन असम वाय कारणम, आद्यपतन असमवाय कारणम गुरुत्वम, इस तरह से बोला गया है। यानी जो प्रथम पतन का जो कारण असमवाय कारण होता है, असमवाय असमवाय कारण क्या है वो मैंने तर्क भाषा में बहुत विस्तृत में समझाया है, शायद इतना विस्तृत में अभी तक यूट्यूब पे है नहीं। समवाय और असमवाय कारण को जाकर के आप तर्क भाषा में देख लीजिए, बहुत विस्तृत रूप से समझाया है, आयु सिद्ध होता है, युद्ध सिद्ध होता है, क्या होता है क्या नहीं होता वो वहां समझाया है। तो आद्य पतन जो होता है वो प्रथम पतन के रूप में जाना जाता है, यानी प्रथम पतन, पहली बार जब गिरना होगा किसी वस्तु का वो गुरुत्वाकर्षण के नियम से ही होगा, गुरुत्व के नियम से होगा। गुरुत्व क्या है, वजन या भारी, भारीपन या वजन, दोनों के नाम से किसी नाम से जान सकते हो, वही यहां पर गुरुत्व, वो गुण होता है किसी वस्तु का।
अब कभी कभी ये विज्ञान में ये भी समझाया जाता है कि वस्तु में अपना कुछ वजन नहीं होता, जितनी ग्रह की क्षमता होती है आकर्षण करने की वो उस वस्तु में उतना वजन हो जाता है। द्रव्यमान हर व्यक्ति का, हर वस्तु का अलग अलग होता है, द्रव्यमान के हिसाब से वजन बदल जाता है। द्रव्यमान कभी भी किसी भी ग्रह पर ले जाया जाए तो बदलता नहीं है, लेकिन वजन हर जगह बदल जाता है। ये थोड़ी सी समझने की बात है। तो यहाँ जो गुरुत्व है, गुण है, वो इसका परिभाषा याद कर लो, जो कि तो आ जाती है आद्य पतन असमवाय कारणम। ठीक है, तो प्रथम जो पतन होता है किसी का, गिरना होता है कैसे भी, वो गुरुत्व के कारण होता है, उसमें ही गुण है। अगला है द्रवत्व, किसी चीज का पिघलना, तो इसमें भी बोला गया है चंदना असमवायी कारणम। द्रवत्व मतलब किसी चीज का पिघलना होता है, जैसे पसीना आना है, पिघलना है, कोई भी चीज हो जो बह सके, बह रही हो, वो सब द्रवत्व के अंतर्गत आती है। और ये गुण किसके अंतर्गत पाया जाता है, इसमें मैं बताना भूल गया, ये जो गुरुत्व गुण होता है वो पृथ्वी, ठीक है ना, पृथ्वी और जल दो में होता है। अब देखिए, विज्ञान अब इस बात को मानती है कि जल के कारण गुरुत्वाकर्षण नियम लगता है, लेकिन पहले अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो पता चलेगा विज्ञान ऐसी चीज को मानता ही नहीं था। वो मानता था कि पृथ्वी के अंदर जो लावा है, जो मैग्मा है, जो तरल पदार्थ है, जो 7000 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघला हुआ पदार्थ है, उसके कारण पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। फिर वो आगे जब अपनी खोज करता रहा, अंत में उसने फिर पृथ्वी को मानना शुरू कर दिया, फिर और खोज करी, तब लास्ट में जाकर के उसने जल को माना है। जबकि हम पहले से ही जानते हैं कि पृथ्वी और जल दोनों में गुरुत्वाकर्षण होता है, अब जल के कारण पृथ्वी में भी गुरुत्वाकर्षण हो जाता है, इसलिए दोनों में व्यवहार में आता है। उदाहरण आप देख सकते हैं, आप कोई भी कपड़ा धोते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो गंदगी होती है वो पानी में छूट जाती है, रह जाती है, पानी अपनी तरफ खींच लेता है, तो उसमें ये शक्ति होती है। अगर जल में आकर्षण शक्ति नहीं होती तो आपके कपड़े कभी भी साफ नहीं होते। ठीक है, चलिए, आद्य स्यंदन असमवायी कारणम। आद्य स्यंदन का तात्पर्य क्या है, प्रथम जो पिघलना होता है किसी चीज का, वो उसका जो असमवायी कारण है वो द्रवत्व है, इसमें वही है। और ये किसमें होता है, जल मात्रवर्ती, इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए, दो प्रकार की होती है ये, सांसिद्धिकम और नैमित्तिकम। दो प्रकार का होता है, सांसिद्धिकम मतलब क्या होता है, स्वाभाविक, नैमित्तिकम मतलब किसी के निमित्त या कृत्रिम। जल है, जल स्वाभाविक रूप से फैलाव वाला होता है, बहने वाला होता है, उसका नियम है बहना, अगर उसको थोड़ा सा भी स्थान मिल जाता है तो तुरंत फैल जाता है। आप समतल स्थल पर भी एक बूंद डालिए, बूंद फैल करके समाप्त हो जाती है, अगर उसके फैलने का गुण ना होता तो जो बूंद आपने डाली वो बूंद ज्यों की तो बनी रहती। और इसी शायद नियम के कारण नदियां बहती रहती हैं अनवरत रूप से, और उसमें कोई और नियम भी लगता होगा ढलान वलान का, वो अलग चीज है, लेकिन बहने का नियम इसके अंदर होता है ये पता है। अगर ढलान का नियम इसके अंदर ना होता, बहने का नियम ना होता, गुण ना होता, तो पहाड़ तो ऊंचे हैं, पहाड़ से जो पत्थर गिरते हैं पत्थर भी बह के पहुंच जाते, पत्थर भी लुढ़कना शुरू हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई देता। हाँ, पत्थर पानी के साथ साथ घिस घिस के बालू के रूप में अवश्य पानी के साथ चले जाते हैं, वो अलग व्यवस्था है। तो इसका गुण ये सिद्ध करता है, ये नदियां जो बह रही हैं, कि इसमें स्वाभाविक गुण होता है बहने का। नैमित्तिक गुण किसमें होता है, जल हो गया, पृथ्वी में होता है ये गुण। पृथ्वी मतलब बताया था, जो भी ठोस पदार्थ होता है वो पृथ्वी के अंतर्गत आ जाता है,
घी है, घी जब ठंडा हो जाता है, जब जम जाता है तो पृथ्वी का रूप हो गया। उसको जैसे ही आप किसी के निमित्त यज्ञ करने के लिए पिघलाएंगे तो वो बहना शुरू कर देता है, अर्थात उसमें आहुति देंगे तभी वो बहना शुरू कर देता है, पिघलना शुरू कर देता है। तो उसमें जो गुण है वो आद्य संदन द्रवत्व के कारण है, उसमें भी द्रवत्व का गुण है। दूसरा है इसमें तेज, तेज का उसमें उदाहरण दिया है सोना धातु वगैरह जितनी भी हैं, लोहा है, सोना है, चांदी है, जितनी भी धातुएं हैं वो तेज के अंतर्गत रखी हैं। जैसे ही उसको अग्नि में पिघलाया जाता है तो वो तरल पदार्थ में बदल जाती हैं और वो उसमें भी बहने का गुण उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उसमें भी द्रवत्व का गुण होता है। ठीक है, तो दो प्रकार का होगा, सांसिद्धिकम और नैमित्तिकम, ये ध्यान रखना है आपको। चल कितने हो गए, 13 हो गए। चौदह है स्नेहा, इसमें जो दिया है चूर्ण आदि पिंडी भाव हेतु गुणा। ठीक है, अर्थात चूर्ण आदि पिंडी भाव, चूर्ण से तात्पर्य यहां आटे से लिया गया है, चूर्ण से लिया गया है, उसके जो पिंडी भाव देने का जो गुण होता है, अर्थात आटा लिया उसमें पानी डाला तो वो पिंडी के रूप में बंध जाता है। तो ये जो गुण होता है स्नेह का वो सिर्फ और सिर्फ जल में रहता है, जल मात्र वृत्ति ऐसा बोला गया है। ये गुण किस में रहता है, ये जल में रहता है। तो आपको याद रखना है इसको विज्ञान में स्नेहल के नाम से पढ़ाया जाता है, द्रवत्व को भी पढ़ाया जाता है, वहां ध्यान रखना। जब आप द्रवत्व का अध्ययन करेंगे, द्रव का अध्ययन करेंगे, तो उसमें द्रवत्व का गुण भी पढ़ाया जाता है। तो ये सारी विज्ञान है, आपको दिमाग में बिठा लो, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको थोड़ा सा हटके, शायद आपके दिमाग में बैठ जाए चीजें। ऐसे स्नेहल के नाम से पढ़ाया जाता है, वहां जितने भी यंत्र हैं सभी यंत्रों को स्नेहल यानी कि तरल पदार्थ दिया जाता है, उसमें तेल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, या कोई भी ऐसे चिकना पदार्थ जो उनमें डाला जाता है जिससे घर्षण कम हो जाता है, तो स्नेहल नाम दिया गया है। मैं विज्ञान को आपको साथ साथ बताता चलता हूँ क्योंकि मैंने विज्ञान का बहुत डीप स्टडी की है, कभी अध्ययन कर किया था इसका बहुत ज़बरदस्त, और साइंस इंटर तक साइंस भी पढ़ी है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इनका ज्ञान है, इसलिए बताता चलता हूँ आपको। ये गुण हो जाता है। आगे है 15वां शब्द। शब्द किसका गुण होता है, इसमें आप परत्वम अपरत्वम कर लेना, परत्वम अपरत्वम मैंने छोड़ दिया, गुरुत्वम द्रवत्वम कोई आप देख किताब से पढ़ते रहना इसको ना। स्नेह शब्द, शब्द किसका गुण है, तो इसमें बोला गया है श्रोत्र ग्राहो गुण, यानी कि जो कानों से ग्रहण किया जाए वो गुण है। शब्द कानों से ग्रहण किया जाता है, और ये ग्रहता कहाँ है, इसके गुण किसका है, आकाश मात्रवर्ती, ये आकाश में ही व्यवहार कर सकता है शब्द जो है। इसलिए आपने शायद तरंगे पढ़ी होंगी, दो प्रकार की तरंगे होती हैं, शब्द सुनी होंगे, श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, इस प्रकार की तरंगे हैं। और उनमें भी सबसे जो मुख्य तरंग होती है दो प्रकार से बांट दी जाती है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। तो ये जो शब्द है वो अनुदैर्ध्य तरंग के अंतर्गत आता है, अनुप्रस्थ के अंतर्गत नहीं आता। अनुप्रस्थ तो निर्वात में भी चलता है और ठोस में तो, और स्पीड से नहीं, क्या गलत हो गया थोड़ा, जो ध्वनि अनुप्रस्थ होता है वो निर्वात में चलता है, ठोस में आकर के रुक जाता है। और ध्वनि जो है, ध्वनि तरंगें जितनी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें जितनी होती हैं वो निर्वात में शून्य हो जाती हैं। निर्वात का मतलब जहां वात ना हो, वायु ना हो, है ना, वायु ना हो, ऐसी जगह ये शून्य हो जाती हैं। आकाश हो लेकिन उसमें वायु भी मौजूद हो तब ये शब्द कानों को सुनाई देते हैं, अन्यथा की दृष्टि में सुनाई नहीं देते। ठीक है, लेकिन जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो निर्वात हो या ना हो कोई मतलब नहीं उसको, तो वो दौड़ती चली जाती है,
उस तरह से विज्ञान में वहां समझाया गया, वहां देख सकते हैं आप। तो इसमें कानों से जो ग्रहण किया जाए जैसा उसका गुण है वो किसका है, शब्द का है, तो ये आकाश में होता है। सोलमा है सुख, सुख किसे कहते हैं, सर्वेशाम, इसमें बोला गया है सर्वेशाम, अनुकूल वेदनीयम, इस तरह से बोला गया, सभी के लिए जो अनुकूल परिस्थिति होती है, स्थिति होती है अपने अनुकूल, वो सुख का कारण बनती है, अर्थात उसमें सुख का गुण होता है। जैसे ही अनुकूल न हुआ वो दुख में बदल जाता है, इसलिए सत्रहवें स्थान पर दुख का दिया है। सर्वेशाम प्रतिकूल वेदनीयम, एक ही जैसा, उसमें अनुकूल उसमें प्रतिकूल, जब भी अपने प्रतिकूल कोई चीज होने लगती है वो दुख का कारण बन जाती है। सर्वेशाम प्रतिकूल वेदनीयम, इनमें ज्यादा समझाने के लिए नहीं है। 18 है इच्छा, इच्छा को बोला गया काम इच्छा, यानी काम ही इच्छा है, पर्यायवाची के रूप में दे दिया है। 19 द्वेष, द्वेष किसका गुण है, क्रोध का, क्रोध आपको जब भी आएगा किसी पर, जब आप किसी से द्वेष करने लग जाएंगे, अन्यथा की दृष्टि में क्रोध की कोई संभावना नहीं, यदि क्रोध शुरू हो गया तो द्वेष अपने आप से उसमें गुण पैदा कर देता है, द्वेष करने लगते हैं हम लोगों से। 20 है प्रयत्न, इसमें ज्यादा समझाने के लिए नहीं कुछ भी, सीधे सीधे याद कर लिए, कृति ही, कृति ही प्रयत्न, हाँ इस तरह से बोला गया है, तो कृति जो है वो प्रयत्न है। 21 है धर्म, इसमें बोला गया है विहित, विहित जन्य, विहित कर्म जन्य धर्म, ठीक है ना, विहित कर्म जन्य धर्म। विहित से तात्पर्य क्या है, जो वेदों में बता दिए गए हैं ऐसे कर्मों को विहित कर्म जन्य धर्म माना जाता है। 22 है अधर्म, निषिद्ध कर्म जन्य धर्म, जन्यस्त्व धर्म, ठीक है, निषिद्ध कर्म से उत्पन्न जो कार्य हैं, निषिद्ध कर्म है उनको करने पर जो आपको मिलेगा वो अधर्म के अंतर्गत आते हैं, इसलिए निषिद्ध कर्म को नहीं करना चाहिए। विहित कर्म और निषिद्ध कर्म क्या है, अब ये बड़ी समस्या हो जाती है, आधी चीजें रह जाती है ना इन चीजों में, तो उसके लिए मैंने वेदांत सार में दूसरे वीडियो में, शायद दूसरे या तीसरे में, इन कर्मों के बारे में विस्तृत रूप से समझाया है, कौन से विहित हैं कौन से निषिद्ध हैं, तो आप वहां जाकर के अध्ययन कर सकते हैं। तो 22 हो गए, संस्कार और बुद्धि दो गुण और बचे हैं, क्योंकि मैं छोड़ रहा हूं उनको, संस्कार और बुद्धि अपने आप में बहुत विस्तृत हैं, और बुद्धि तो इतना विस्तृत है कि उसके लिए 3-4 वीडियो बनानी पड़ेंगी, तो अगली वीडियो में देखेंगे, बाकी हो सकता है आपको समझ में आ जाइए। चलिए आज के लिए इतना ही।